चलो एक और क्वेश्चन है अपने पास जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है और 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलत आंसर देंगे। क्वेश्चन कहता है कि nth ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, एटमोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, या लेस देन n इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर मिनिमम n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसके लिए हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वन। आप देखना इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो कंसिडर करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो आपका बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से एम की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस आई, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स कुछ ऐसे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिंपली ऑब्जर्व भी करोगे तो आपको दिखाई देगा y की जगह अगर मैं कांस्टेंट 1 लिखूं तो उसका डबल डेरिवेटिव 0, y की जगह 1 तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट 1 उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया c1 इनटू cos x प्लस c2 इनटू sin x प्लस 1, है ना। अब इसमें से देखो कितने इंडिपेंडेंट है, c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से उनकी वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं। तो आप देखना c1 को 0 बना लेता हूं, c2 को 1 बना लेता हूं, तो सॉल्यूशन बन जाएगा y1 लेट से साइन एक्स प्लस वन। y2 बना लेता हूं, c1 को अब मैं कर लेता हूं 1 और c2 को 0 बना लेता हूं, तो y2 बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वन। और y3 बना लेता हूं कि c1 और c2 दोनों को 0 बना लेता हूं, तो y3 बन जाएगा कॉन्स्टेंट वन। आप देखना अब ये साइन एक्स प्लस वन, कॉस एक्स प्लस वन और ये कॉन्स्टेंट वन, ये तीनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो एग्जैक्टली एन लीनियरली इंडिपेंडेंट, नो, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास तीन आए हैं, एटमोस्ट एन ये भी नहीं बोल सकते, लेस देन एन ये भी नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास मिनिमम एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थैंक यू।